Wild Fairy Tales. बहुत पहले प्राचीन समय में एक दूर देश में एक ऐसी जगह थी जहां मनुष्य और पौराणिक जीव एक साथ रहते थे। पौराणिक जीव ड्रैगन बड़े और मजबूत थे लेकिन अकेले थे, इसलिए हमारी मानव जाति उनसे नहीं डरती थी। हमें जल्द ही पता चल गया था कि एकता में ही शक्ति है। प्रत्येक ड्रैगन अपने गले से जुड़े एक जादुई रत्न के साथ पैदा होता था, जो कि वो चीज थी जिसे हम मानव सबसे अधिक चाहते थे। मानव जाति ने लगातार उन रत्नों का शिकार किया जिससे ड्रैगन की संख्या दिन ब दिन जा रही थी। एक दिन बहुत दूर एक ऊंचे पहाड़ पर दो ड्रैगन साथ रहते थे। माँ ड्रैगन ने अपने बच्चे को खेलने के लिए गुफा में अकेले छोड़ दिया और फिर वो जल्दी से भोजन की तलाश में निकल गई। जैसे ही माँ ड्रैगन पहाड़ों के पीछे बहुत दूर चली गई, एक रहस्यमय व्यक्ति वहाँ आया। वो चुपके से छोटे ड्रैगन के पास पहुंचा, बेरहमी से रत्न चुराने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया। छोटे ड्रैगन ने वापस लड़ने की कोशिश की लेकिन वो बहुत छोटा था, इसलिए उसकी ताकत का योद्धा पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। बेचारे छोटे ड्रैगन ने अपना रत्न खो दिया और वो पलक झपकते ही पत्थर में बदल गया। एक ड्रैगन को मारना मेरे लिए बहुत कठिन नहीं है। मैं सिर्फ ताकत के बजाय अपने दिमाग का उपयोग करता हूँ और अब मेरी प्रसिद्धि हवा में पतंग की तरह उठेगी। उस शाम माँ ड्रैगन खुशी खुशी वापस अपने घर लौट रही थी क्योंकि उसने आज दो मोटी भेड़े पकड़ी थी। ये सोचकर कि वह स्वादिष्ट ग्रिल्ड भेड़ों का आनंद लेगी, माँ ड्रैगन ये जानकर हैरान रह गई कि उसके बच्चे को पत्थर में बदल दिया गया है। उसने इधर उधर खोजा लेकिन पास में कोई नहीं मिला, बस एक टूटी हुई तलवार का एक टुकड़ा था। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। वो गुफा की गहराई में उड़कर गई जहां ड्रैगन क्रिस्टल रखा था। फिर उसने जादू किया और क्रिस्टल के अंदर देखा, एक धुंधली छवि दिखाई दी। पता चला कि छोटे ड्रैगन का रत्न अब एक दुष्ट योद्धा के हाथ में है। उस समय तक योद्धा ने रत्न का उपयोग करके राजकुमारी के लिए हार बना लिया था। महल के रास्ते में मैंने एक गांव पर हमला करने वाले विशाल ड्रैगन को देखा। एक योद्धा के रूप में मैं चुपचाप खड़े रहकर ये कैसे देख सकता था। मैंने बहादुरी से लड़ाई करी और अंत में ड्रैगन को हरा दिया और उसके गले से रत्न ले लिया। आपके गले में हार एकमात्र इनाम है। इसे खोने के लिए ड्रैगन पहले ही निर्जीव पत्थर की मूर्ति में बदल गया है। योद्धा ने उन दोनों किसानों की ओर देखा जो चिंता से सर झुकाकर खड़े थे। दोनों ने आदेश को पहचान लिया और जवाब में सिर हिलाया। यह सही है, यह सही है। उस ड्रैगन ने हमारे गांव को लगभग नष्ट ही कर दिया था। सौभाग्य से ये योद्धा हमें बचाने के लिए आ गए, नहीं तो गांव का सफाया हो जाता। बहुत बढ़िया, मेरी तारीफ करते रहो। इन दोनों को गवाह के रूप में लाना असल में मेरी कहानी को और अधिक विश्वसनीय बनाता है। सबके लिए प्रशंसा का पात्र बनना उसके लिए कठिन नहीं था। राजा ने उसको एक प्रतिभाशाली और दयालु व्यक्ति समझा। उसे ड्रैगन पर विजय पाने की उपाधि भी दी और उसकी शादी राजकुमारी से करने के लिए तैयार हो गए। ड्रैगन की माँ को पूरी कहानी का पता चला और वो बहुत क्रोधित हुई। फिर उसने एक श्राप दिया और उस हार को पहनने वाले व्यक्ति को एक ड्रैगन में बदल दिया। हाँ? राजकुमारी ने ड्रैगन में बदलने के बाद घबराहट में बेडरूम को नष्ट कर दिया। योद्धा ने ये सब देखा लेकिन इस बारे में दूसरों को समझाने के बजाय उसने राजकुमारी को मारने की सोची ताकि भविष्य में वो राजा के सिंहासन को पा सके। भ्रमित स्थिति का लाभ उठाते हुए योद्धा ने ड्रैगन राजकुमारी पर आरोप लगाया। सब पीछे हटो, ये ड्रैगन उस ड्रैगन का रिश्तेदार है जिसे मैंने पहले खत्म किया था। एक ड्रैगन, हे भगवान, उस ड्रैगन ने हार नहीं मानी, इसीलिए वो बदला लेने के लिए यहाँ आई और हमारी राजकुमारी को खा गई। राजकुमारी अभी भी ड्रैगन के रूप में घबराई हुई थी। सौभाग्य से वो फिर भी योद्धा की तलवार के हमले को चकमा देने में सफल हुई। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये मैं हूँ, मैं राजकुमारी हूँ। हालांकि उसने जो कुछ भी कहा, सभी के कानों में वो सिर्फ एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। इस निराशा और घबराहट में वो बचने के लिए केवल उड़ सकती थी।
मुझे जल्दी करनी होगी, जबकि वो अभी बहुत कमजोर है। क्योंकि राजकुमारी को अभी तक अपने नए शरीर की आदत नहीं हुई थी, इसलिए वो दूर तक नहीं उड़ सकी और थककर पहाड़ी के नीचे घास की एक कुटिया में गिर गई। उसे उसमें छिपना पड़ा और भूसे के एक बड़े ढेर के पीछे सोना पड़ा। अगले दिन उस कुटिया का मालिक आया और जल्द ही उसे ढूंढ लिया। एक ड्रैगन को देखकर युवक चौंक गया, लेकिन दूसरों की तरह लड़ने के बजाय उसने एक जादू किया ताकि वो ड्रैगन की भाषा सुन और समझ सके। डरो मत, क्या तुम मेरी बात सुन और समझ सकते हो? आप समझ सकते हो कि मैं क्या कह रही हूँ? कृपया मेरी मदद करें, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। ये देखकर राजकुमारी को एहसास हुआ कि ये युवक एक जादूगर था। मैं समझ गया, मैंने ड्रैगन के श्राप के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये पहली बार है जब मुझे अपनी आँखों से इसे देखने का अवसर मिला। एक सेकंड रुको। सौभाग्य से पुस्तक में ड्रैगन के रत्न के बारे में और उनके श्राप को कैसे उठाया जाए दोनों लिखा था। मिल गया, किसी व्यक्ति को ड्रैगन के श्राप से बाहर निकलने के लिए उस व्यक्ति को 1000 साल पुराने ड्रैगन क्रिस्टल से सीधे संपर्क में आने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचने का रास्ता बताता हूँ। पुस्तक में स्पष्ट रूप से ड्रैगन की गुफा की यात्रा के बारे में लिखा हुआ था, जो बहुत कठिन और खतरनाक है, जो कि एक महिला और एक कमजोर जादूगर के लिए मुश्किल है। लगभग वहाँ पहुँच गए, कृपया मुझे नीचे उतार दो और आराम करो। लेकिन चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती थी। जब जादूगर और ड्रैगन आराम करने के लिए रुके तो अचानक योद्धा सामने आ गया। एक अजनबी को देखकर योद्धा ने अपना नाटक जारी रखा। तुम ड्रैगन, तुमने राजकुमारी को खा लिया, मुझे उसका बदला लेना होगा। ये सोचकर कि ये बस एक गलत फहमी थी, जादूगर ड्रैगन राजकुमारी के सामने खड़ा हो गया। रुक जाओ, ये सिर्फ एक गलत फहमी है, वो राजकुमारी है। हालांकि योद्धा ने जादूगर की बातों को नजरअंदाज किया, यहां तक कि उस पर हमला भी किया और उसे पहाड़ से धक्का दे दिया। ये देखकर ड्रैगन राजकुमारी तुरंत जादूगर को बचाने के लिए दौड़ी और बस चकमा देने की कोशिश करती रही। उसने वापस लड़ाई नहीं की क्योंकि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। हालांकि हमेशा चकमा देना अच्छा नहीं होता, गलती से उसे कुछ घाव लग गए। उस घाव से उसके पंख कई जगह से कट गए और बुरी तरह से खराब हो गए। दर्द के कारण वो अनजाने में चिल्लाई और उसके मुंह से निकली आग ने योद्धा को ऊंची चट्टान से नीचे ढकेल दिया। ये महसूस करते हुए कि उसे मारने वाला अब नहीं है, उसने जादूगर को लिया और उसे अपने कंधे पर बिठाया। अपने पंख पे इतने घाव के कारण वो अब उड़ नहीं सकती थी, वो बस केवल पहाड़ पर चढ़ सकती थी, लेकिन बहुत मुश्किल से। सौभाग्य से आखिरकार वो पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। उन्होंने ड्रैगन की गुफा को ढूंढा और उसके अंदर गहराई तक जाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ड्रैगन क्रिस्टल के करीब पहुंचे तो घातक घाव और थकावट के कारण राजकुमारी गिर गई। हिम्मत मत हारो, हम यहाँ गिरने के लिए नहीं आए हैं, चलो उठो। हालांकि क्योंकि घाव बहुत गंभीर थे, वो बिना जाने ही बेहोश हो गई। जादूगर इसे देख नहीं सका, उसने ड्रैगन का पैर पकड़ लिया और उसे क्रिस्टल के करीब खींचने की पूरी कोशिश की। जैसे ही उस आदमी ने अपनी उंगली से क्रिस्टल को छुआ, तुरंत ही ड्रैगन राजकुमारी की एक ऊर्जा उसके शरीर से क्रिस्टल की ओर गई। हालांकि ये बहुत दर्दनाक था, फिर भी युवक ने एक बार फिर से कोशिश की। ड्रैगन राजकुमारी धीरे धीरे जागी और उसने देखा कि उस आदमी का जीवन क्रिस्टल द्वारा खींचा जा रहा है और वो उसे सहन करने की कोशिश कर रहा है, केवल उसे वापस मानव रूप में बदलने में मदद करने के लिए। इस व्यक्ति ने मेरे जैसे अजनबी के लिए इतना बलिदान दिया, अगर मैं इंसान बनने में कामयाब हुई तो मैं हमेशा उसकी पत्नी बनने की कसम कहती हूँ। अंत में जब वो वापस मानव में बदल गई तो जादूगर लगभग एक मरती हुई लाश में बदल गया था। ये पता चला कि ड्रैगन क्रिस्टल न केवल श्राप को खींचता है, बल्कि जादू करने वाले व्यक्ति के जीवन को भी खींच लेता है। इस
समय तक माँ ड्रैगन बाहर निकल आई, धीरे से एक हाथ क्रिस्टल पर रखा और दूसरा उन दोनों लोगों पर। तुरंत ही राजकुमारी पर लगे घाव और जादूगर की जीवन शक्ति ठीक हो गई, मानो जैसे उन्होंने कभी किसी लड़ाई का अनुभव ही ना किया हो। तब माँ ड्रैगन ने राजकुमारी से हार ले लिया और एक बार फिर क्रिस्टल के अंदर की छवियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उन्होंने उस योद्धा की छवियों को देखा जो सिर्फ घमंड के लिए यहाँ आया था और छोटे ड्रैगन को चोट पहुँचाई। इतना ही नहीं, वो तो राजकुमारी की जान लेने के लिए भी कहानियाँ बना रहा था। बस यही पूरी कहानी है। वैसे भी मेरे बच्चे का रत्न मुझे वापस मिल गया है और मैंने तुम्हारी भी जान बचाई है। बस झगड़ा खत्म हो गया, तुम लोगों को अब अपने घर जाना चाहिए। गुफा के बाहर जहाँ छोटा ड्रैगन पत्थर की मूर्ति बन गया था, माँ ड्रैगन ने धीरे से रत्न को उसके सही स्थान पर लगा दिया। पलक झपकते ही छोटा ड्रैगन सामान्य स्थिति में लौट आया। राजकुमारी की बात करें तो जादूगर के साथ महल में लौटने के बाद उसने पूरी कहानी सुनाई और सभी को खुशी और आश्चर्य से भर दिया। तभी लोगों को एहसास हुआ कि कौन बुरा आदमी था और कौन अच्छा आदमी है। कुछ मनुष्य जानवरों से भी बेहतर नहीं है। ड्रैगन की ईमानदारी के जवाब में मैं आपसे घोषणा करता हूँ कि हम फिर कभी किसी ड्रैगन का शिकार नहीं करेंगे। अंत में हमारी राजकुमारी ने जादूगर के साथ रहने के लिए अपने अच्छे भाग्य को खुशी खुशी हमेशा के लिए त्यागने का फैसला किया।